नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केदार पाटिल है। मैं एक बेरियाट्रिक मतलब स्थूलता तज्ञ हूँ, वैसे ही साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और पेट के कैंसर का विशेष सर्जन हूँ। पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं मोटापे के बारे में, मोटापा कैसे कम किया जा सकता है। मोटापा यानी ओबेसिटी जो है ये तब बोली जाती है जब आदमी का BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स 23 के ऊपर हो। 23 से 27.5 जब BMI होता है तब उसको ओवरवेट बोलते हैं। 27.5 के ऊपर जब BMI होता है उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये जो एशियंस के पैरामीटर्स है ओबेसिटी की, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अलग लोगों से अलग है, क्योंकि एशियन लोगों में ओबेसिटी की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम और डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है। तो हमें इस कारण ज्यादा सतर्क रहना चाहिए ये ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी एक बीमारी है तो इस बीमारी का इलाज करवाना जरूरी है। जैसे हर कोई डायबिटीज की भी ट्रीटमेंट लेता है, BP की ट्रीटमेंट लेता है, वैसे ही ओबेसिटी की भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ये जो बॉडी मास इंडेक्स जो मैंने बोला, ये बॉडी मास इंडेक्स ये ऊंचाई और वेट का एक प्रमाण होता है। इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। इसके सारे एप्लीकेशंस या एप्स गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिससे आप BMI आपका खुद का घर बैठे चेक कर सकते हैं। और ये अगर 27.5 के ऊपर है तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। मोटापा होने के मोस्ट कॉमन रीजन हम अगर देखें तो ये फैमिलियल टेंडेंसी होती है। मोटापा काफी फैमिलीज में चलता है, जिसके साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि जीन्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मोटापा होता है। साथ में खाने में अगर ज्यादा स्वीट्स या ज्यादा खाना अगर होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी ना हो, एक्सरसाइज ना हो, डाइट अगर गलत है तो मोटापा धीरे धीरे चालू होता है। जनरली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा देखा जाता है। तो ये मोटापे के मोस्ट कॉमन रीजंस है, कोई एक रीजन से नहीं होता है। खाने में असमतोल, व्यायाम का अभाव, फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, जीन्स में कुछ प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये सारे मिला के मोटापे का एक रीजन है। जैसे मैंने पहले बोला कि मोटापा एक बीमारी है, डिसीज है, तो मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज, BP, ज्वाइंट पेन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, काफी सारे महिलाओं में PCOD मतलब ओवेरियंस में ओवरीज में सूजन आने का प्रॉब्लम होता है, फैटी लिवर, हाइपर यूरेसीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना, स्नोरिंग, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियों का जड़ मोटापा है। तो अगर हम मोटापे को ट्रीटमेंट ले तो इसमें से काफी सारी बीमारियां कम हो सकती है। तो हमने अभी तक देखा है कि मोटापे के मापदंड क्या है, मोटापा किसे कहा जाता है, मोटापे के साथ कौन सी बीमारियां जड़ जाती है और मोटापे का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोटापे को एक सही तरीके से, साइंटिफिक मेथड से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, डाइट, एक्सरसाइज, सर्जरी, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, ये पूरे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस एंड फाउंड दिस यूजफुल। थैंक यू मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। यापुढेही जर आपले आरोग्य विषयक काही प्रश्न, शंका, सूचना किंवा अभिप्राय असतील तर या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक, शेअर जरूर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला, त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।